नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो हम अभी अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और इसके स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। उसमें भी मुख्य रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। ये एक सरल परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि हमारा भाव ही हमारे विचार को तय करता है, और विचार से ही हमारा व्यवहार कार्य तय होता है, और जो हमारा सारा सुख दुख है वो हमारे भाव विचार में ही है। इसलिए इसके प्रति सजग होना अत्यंत आवश्यक है। आमतौर पे हमारी सजगता इतनी नहीं रह पाती कि हम अपने भाव के प्रति सजग हो पाए। तो अधिक से अधिक जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो विचारों पे ध्यान चला जाता है। विचार के पीछे जो भाव है उसका पता नहीं लगता, बस इतना लगता है कि आराम में है या नहीं है, थोड़ा बहुत सेंस होता रहता है, परंतु एग्जैक्टली हमारे अंदर भाव क्या है वह ठीक से पता नहीं लगता। फिर इसमें हमने जो सामान्य रूप से कठिनाइयाँ होती हैं देखने में, उस पर भी चर्चा की। कई बार ऐसा लगता है कुछ चल नहीं रहा, या विचार को ही देख पा रहे हैं भाव को नहीं देख पा रहे हैं, या देखते हुए सर भारी हो रहा है, या नींद आ रही है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज पे, कठिनाइयों पर हमने बात किया, और निष्कर्ष के रूप में ये रहा कि चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास है, तो इसमें शरीर का कोई रोल नहीं है। तो कई बार जब हम शरीर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं तो लगता है जैसे कि आंखों में कोई आस्वादन होता है वैसा कोई आस्वादन हो जाएगा, कान में जैसे ध्वनि मिलती है वैसा कोई ध्वनि मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना है ना, तो कोई इसमें आस्वादन होने की बात नहीं है। इसमें ये भी दिखाई देता है कि कई बार चूंकि हमको भाव को देखने का अभ्यास नहीं होता है, तो हम विचार को देखें, फिर विचार के पीछे जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, जो कारण है, उसको देखें, उससे भाव स्पष्ट होने लगता है। कई बार ये भी होता है कि हम विचारों में बह जाते हैं। ये भी बात निकल कर आई कि जब भी ऐसा कभी हो तो एक बार अपने ध्यान में ले आए कि अल्टीमेटली मुझे अपने भाव विचार को देखना है, तो उसमें बहने के बजाय उससे बाहर निकल आ पाते हैं। जो वांछित है वो तो ये है कि हमें शुद्ध दृष्टा के रूप में अपने को देख पाए, और शुद्ध दृष्टा होने का मतलब है कि ब्लॉक B1 से हम ब्लॉक B2 को देख पाए। उससे पहले जब भी हम ब्लॉक B2 से देख रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं विचार में ही बह जाते हैं, उलझ जाते हैं, या हमें भाव का पता नहीं चलता। भाव दिखता भी है तो कुछ अनुमान सा लगता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसमें हम लोग समय लगाएंगे है ना, और इसको हम लोग अभ्यास रूप में हर दिन करते रहेंगे। अभी अभ्यास शुरू हुआ है तो अब तो हम लोग आगे के लेक्चर्स पे भी बात करेंगे, परंतु इसको बनाए रखने का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि तो आगे जो स्टेप्स पे बात होगी उसमें ये आधार में बना रहेगा। अगर हम अपने भाव से सजग हो पाते हैं तभी हम आगे चलकर उसका मूल्यांकन भी कर पाते हैं। स्टेप वन में ये बात हुई थी कि भाव को सहज रूप से देखना है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, इसका भी मूल्यांकन भी नहीं करना है, इसको बदलना भी नहीं है, कुछ आरोपित भी नहीं करना है ना, जैसा है वैसा इसको देखना है, तटस्थ भाव से देखना है। यही मेरी इस क्षण की स्थिति है, इस बात को देखना है। इसको लेकर कल हम लोगों ने कुछ गृह कार्य लिया था, होमवर्क लिया था कि अपनी कल्पनाशीलता को देखें, इसको निरंतरता में करने की कोशिश करें हर क्षण। तो अभी हम लोग ये जो बात करते रहे हुआ कि इस सुबह के सत्र के बाद कम से कम आधा घंटा अलग से बैठें और अपने आप को देखें, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। हर 4 घंटे पे आधा घंटा अपने आप में अगर हम रहकर देख पाए तो बहुत उपयोगी रहेगा। अगर घर में रह रहे हैं पूरे समय तो आधा घंटा निकाल लें, बैठ लें अपने साथ, थके हुए हैं तो आधा लेटे हुए हो सकते हैं, उस रूप में देख लें। तो मैं और मेरे अंदर जो भाव है इसके प्रति सजगता बनी रहे कि मेरा भाव क्या है। तो हर 4 घंटे पे आधा घंटा बैठ लें, देख लें। ऑफिस में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं तो भी जैसे ही समय निकलता है बैठ कर अपने को अध्ययन कर लिया, देख लिया क्या भाव चला, पिछले 4 घंटे में क्या भाव चला। इसे अगर हम एक अभ्यास में ले आएंगे तो जहाँ हमारा विचार के तल पर जीने का अभ्यास है उससे आगे बढ़कर हम भाव के तल पर जी पाएंगे। और यदि भाव पकड़ में आने लगे तो उसमें हमको परिमार्जन की आवश्यकता भी स्पष्ट होने लगती है। परिमार्जन भाव में ही हो पाता है। विचारों में जब परिमार्जन करने जाते हैं तो महज एक विचार सोच के दूसरे पे जाते हैं, दूसरे से लौट कर फिर उसका पहले पे चले आए, क्योंकि ये चिंतन की वस्तु है, भाव है, विचार नहीं। इसलिए परिमार्जन जो हो पाता है स्वयं में वो भाव में हो पाता है। भाव में परिमार्जन होता है तो फिर उसके सहज रूप से विचार हमारे निश्चित होने लगते हैं। पर यदि भाव में परिमार्जन ना हो और विचारों में परिमार्जन के लिए काम करते रहें तो थकते हैं, अपने आप से संघर्ष करते रहते हैं, बार बार लगता है चूक हो रही है और बार बार उसको ठीक कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत भी लगती है।
भाव के स्तर पर यदि हम सजग हो पाए तो हम परिमार्जन कर पाते हैं। तो मुझे अपना भाव कैसे हर क्षण स्पष्ट रहे इसको देखना है। इसके लिए हर 4 घंटे पे आधा घंटे का समय लगाया, नहीं आधा घंटा समय मिला 15 मिनट का समय लगाया, सोने के पहले लगाया, सुबह उठकर लगाया, है ना, जब भी खाली बैठे देख लिया। तो आप पाएंगे कि वैसे तो देखने में लगता है कि हमें अलग से दिन के 2 घंटे 3 घंटे निकालना मुश्किल काम है, बट यदि आप अपने भाव को सजग हो गए, ये दिन में जो 4 घंटे 6 घंटे हम व्यर्थ के विचार में गंवा देते हैं उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। आप पाएंगे कई बार कोई एक विचार हमें घेर लेता है और उसमें हम बहते रहते हैं, लेटे और विचारों में बहना शुरू कर दिए, घड़ी देखा 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, उस 1.5 घंटे में क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ परेशान रहे, उन्हीं विचारों में उलझते रहे, विचारों में बहते रहे। अगर भाव कुछ सजग हो जाए तो उसका हम तत्क्षण मूल्यांकन करके फिर आगे का कार्यक्रम निश्चित कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो लगेगा आपको कि अलग से समय लगाना मुश्किल है, परंतु जब इसको लगा पाएंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। और ये जो विचारों में चूक के बाद हमारे व्यवहार में चूक होती है, तो अगर भाव पे ही सजग हो जाए तो व्यवहार में भी चूक नहीं होगी। उसका जो फल परिणाम आता है जिसमें बहुत सारा हमारा व्यर्थ का समय लगता है, बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हम खुद ही पैदा करते रहते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, उससे भी हम बच पाते हैं, निकल पाते हैं। तो इस कोर्स में हम लोग एक तरफ तो स्वयं के ज्ञान के बारे में, अस्तित्व के ज्ञान के बारे में और अस्तित्व अपने भागीदारी के ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सबको लेंगे, किसी भी तरह के प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ हम इस सजगता को बनाए रखेंगे अपने आप में, ताकि जो बातें चर्चा में आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दें, सिर्फ विचार विचार में न रहें, स्पष्ट रूप से दिखाई दें। तो उसकी शुरुआत तो कर लेनी है ना। इसमें कितना समय लगेगा वो निर्भर करता है कि हम उसको कितनी तत्परता से, निष्ठा से, सजगता से कर पाते हैं। और मजे की बात यह है कि समय तो हम सबके पास वही है, दिन में 24 घंटे ही है, हमें उन 24 घंटों का ही सदुपयोग करना है। तो समय तो सबके पास समान है, उसका हम सदुपयोग कितना कर पा रहे हैं उसका मुद्दा है। तो आपका ध्यान कितनी देर अपनी कल्पनाशीलता पे बना रहता है इसको देखें। आपकी कल्पनाशीलता किसी एक विषय पे ही चलती है या एक विषय से दूसरे विषय पे शिफ्ट होती रहती है? यदि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो कहाँ जाता है? आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं? क्या आप अपने ध्यान की वस्तु को खुद ही तय करते हैं अपनी अवेयरनेस से, या ये बिना अवेयरनेस के यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता रहता है? फिर हम इसमें और आगे देख सकते हैं कि आपकी कल्पनाशीलता में चल रही भाव, इच्छा, विचार और आशा, क्या इसको अलग अलग करके देख पा रहे हैं? तो इसको हम लोग देखते चलें, इसको नोट भी करते चलें। तो स्वयं द्वारा स्वयं का अध्ययन है। अभी हम लोग बाहर की वस्तुओं का बहुत अध्ययन करते रहे, है ना, उसमें बहुत उपलब्धि देखते रहे, बट जो नेट आउटकम है वो तो भीतर होना है, तब भीतर काम किया जाए। भीतर काम करते बाहर काम करना सहज भी होगा, सरल भी होगा और निश्चित भी हो पाएगा। नहीं तो बाहर भगदड़ बनी रहती है ना, क्योंकि भीतर भगदड़ है और उस भीतर के भगदड़ का होश नहीं। भीतर एक बार अवेयरनेस हो जाए, शांति हो जाए, तो बाहर वाली भगदड़ कम हो जाती है। इसको हमको स्वयं में करना है। कल जो आपने अभ्यास किया उसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, आपके प्रश्नों को ले सकते हैं। भैया अभी हम लोग 10 मिनट इस पर ध्यान दे लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों को लेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो जी ऑब्जर्वेशन का स्लाइड लगा दीजिएगा। तो अभी 10 मिनट में भाव को सजग होने का अभ्यास करते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। नहीं, आपकी आवाज तो बहुत ही धीमी है सर, अभी कैसे आ रही है? हाँ, अभी बेहतर है सर। मैं जस्ट यही बोलना चाह रही थी कि आपने जो एक्टिविटी दिया वो कर पाना मेरे लिए इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज जाता है तो मेरे को काम, मैं आपका मतलब पूरा सेशन ही सिर्फ हेडफोन लगा के अटेंड करती हूँ, तो मेरे को तो स्क्रीन देखने का भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता। तो ये एक्टिविटी बाद में करूँ, ऐसा पॉसिबल है? हाँ हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैं सिर्फ हर दिन सिर्फ सुनती हूँ, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, बट और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अटेंड करना इंटरेस्ट भी है बट टाइम ऐसा होता है कि 7:15 को उसकी बस आती है, तो मुझे खाना नाश्ता सब रेडी करना होता है, तो बस ये यहाँ पे सुनना और बाहर की काम करना होता है साथ में।
तो ऐसे ही चल रहा है अभी तक तो। हाँ ठीक बात है, तो आप काम करते रहें उसमें, अगर देख लें अगर सजगता बन पाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो ये बात हो रही थी कि 4 घंटे बाद बैठ कर कभी अपने ऊपर ध्यान दे लिया है ना, हाँ तो हाँ ये वो दिन की तो रूटीन में तो आप होगा। इसको शामिल कर लीजिए। जी हाँ हाँ सर, ओके सर, ओके, जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक। बढ़िया दीदी जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि काम में व्यस्त रहते हैं हम लोग, संजय बता, और मेरा 8-10 पे बस है, हम काम भी करते हैं और अपने चैतन्य को भी उसके ऊपर भी वर्क करते हैं, दोनों काम बहुत जरूरी लग रहे हैं। मैं तो कोई ऑप्शन नहीं सोच रही कि बिजनेस से कोई रास्ता निकले, तो अपने आप में ही खुशी हो रही है कि हम अपने चैतन्य के ऊपर कितना वर्क करें। अब मैंने इमेजिनेशन और विचार में, क्या सर ये दोनों अलग अलग है? इमेजिनेशन में ही तो विचार चल रहा है, इमेजिनेशन में इमेजिनेशन में विचार, आपका भाव भी है, विचार भी है, और जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी है, जो टेस्टिंग हो रही है वो भी है, सारा हाँ जी। तो सर कुछ इसमें, इमेजिनेशन में ही है। यस सर, इसमें मैं ज्यादातर ना अपने आप को इवेल्युएट कर रही हूँ कि मैंने ये काम सही करा या नहीं करा, ये इसमें अपने आप में भी चेंजेस देख रही हूँ। उस डिसीजन में मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को परफेक्शन आ रहा है, तो ये चीज जो वर्क मैंने करा कल में भी और आज में भी, सुबह भी मैंने देखा कि विचारों में मैं डिसीजन ले रही हूँ, इमेजिनेशन में खो जा रही हूँ। जो पास्ट के इमेजिनेशन है उसमें मेरे को रिलैक्स मिल रहा है, और विचारों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं डिसीजन ले रही हूँ और अपने आप को इवेल्युएट कर रही हूँ, कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये दो विचार आ रहे हैं। और जैसे ही मैं खोना चाह रही हूँ इमेजिनेशन में, क्यों तो, हाँ जी बच्चे, सर मैं बस एक मिनट, अगर कहीं तो बाहर कोई आया है तो मैं बात, हाँ, बाद में बात जी करेंगे। जी जी ओके, थैंक यू सर। नमस्ते भैया जी, जी नमस्ते। जी मैं थोड़ा सा और समझना ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जो अब अभी अपने विचारों को देख रही हूँ और वो, आपकी आवाज थोड़ी धीमी है। हाँ जी, मैं, मेरा माइक, हेलो, अभी आई जी भी है, जी आ आई, रही है, बट अभी वॉल्यूम तो थोड़ा लो ही लग रहा है, मुझे तो हेलो, सुनाई दे रहा है, बट शायद अन्य अच्छा साथियों को हेलो, मुश्किल अभी हो। आ हाँ गया अभी ठीक सुनो। है, अभी कुछ ठीक भैया है। जी, हाँ मैं जैसे अपने आप को देख रही हूँ तो मेरे विचार बहुत चेंज होते हुए मुझे दिखते हैं, कभी मैं अपने बारे में सोचती हूँ, कभी किसी दूसरे के बारे में, कभी कल कुछ इंसिडेंट हुआ तो वो मुझे मतलब ऐसे कलेक्ट हो रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, एनालाइजेशन चल रहा है, ऐसा हुआ तो उसने ऐसा ये किया और ये किया तो क्यों किया, मतलब अब ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं कई बार खुद को एनालाइज करने लग जाती हूँ, कभी फिर दूसरे को एनालाइज करने, तो मैं एक कंसंट्रेशन या एक ही लाइनअप कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि मैं सही कुछ सोचूं या जो चल रहा है बस उसको चलने दूं और उसी को देखूं, मतलब मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि आखिर करूँ क्या, करना क्या, या मैं जी, जी विधि तो यही है कि जो चल रहा है उसे आप चलने दें, उसको आप जी कुछ अपने ढंग से चलाने का प्रयास ना करें, कुछ उसे रोकने बदलने का प्रयास ना करें, बट अच्छा, सजगता के वैसा साथ कुछ देखते नहीं रहें। करना है, वैसा कुछ करना नहीं है, मतलब जी उसको जो कोई चल रहा है डायरेक्शन उसको नहीं देख, देना है क्या, ऐसा समझना चाह रही हूँ, फिर से कहिए। मतलब उस थॉट प्रोसेस को तो कोई डायरेक्शन देना है या जो चल रहा है उसी को देखना है, ये मुझे समझना है। डायरेक्शन नहीं देना है, स्टेप 1 में तो डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, जो चल रहा है उसको देखना है, और सिर्फ विचार को नहीं देखना है, तो विचार में तो आपको बहुत सारा भगदड़ चंचलता दिखाई देगा। हाँ वही दिख रही है, हाँ उसके पीछे भाव को देखना है, जैसे विचार चल रहा है तो विचार के पीछे भाव क्या है, जैसे घर के बहुत सारे काम होंगे जिसको लेकर विचार चल रहा होगा, ठीक है ना, फिर आप ये देख सकते हैं कि घर के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव है कि बच्चा समय से स्कूल के लिए तैयार होकर चला जाए, उस जिम्मेदारी के भाव के साथ ये सारा विचार चल रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है ना, तो ये जो भाव है उसको हम देख सकते हैं कि भाव क्या है हमारे अंदर, उसी में अगर किसी ने, जी अगर उसी में कोई काम ठीक ढंग से नहीं हुआ, उसको लेकर हम परेशान हो गए, किसी के प्रति विरोध का भाव आ गया है ना, जी तो उसको भी देख लेना है, जी बिल्कुल। तो तो भाव भैया को जी, देखना है। इसमें मैं ये देख पाई, जैसे कि कल मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, वो
मतलब उसको आदत है बहुत दूसरों को किसे करवा के लेने की। तो पहले मैं परेशान हो जाती थी, अब मैं देख पाई कि कल मैं परेशान नहीं हुई उसके जो भी उसने मेरे साथ किया, बल्कि आप अभी बोले तो पूरी काफी टाइम मैं अपने से आ रही थी पर उस पर जा रही थी, अपने से आ रही थी और उस पर जाके सिर्फ मेरा एनालाइजेशन चल रहा था उसका कि उसने ये क्यों किया। फिर मैं ये पकड़ पा रही थी उसकी जो जो अयोग्यता, ऐसा मेरा एनालाइजेशन चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं अयोग्यता की, खुद की अयोग्यता की वजह से ये कर रही है, वो मुझे परेशान नहीं करना चाह रही है, खुद फंस रही है इसलिए मैं मतलब मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है। तो मैं परेशान नहीं हुई बल्कि एक उस एनालाइजेशन मेरे पे बैठ गया कि वो ये ऐसा ऐसा इसी वजह से कर पा रही है। तो मतलब मेरा जी परेशान जी होना नहीं हुआ, नहीं तो शायद मैं पहले वाली होती तो उसे डिस्टेंस बना लेती और तुरंत गुस्सा होती, भले ही बोलती कुछ नहीं क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है तुरंत रिएक्ट करने की, पर मन ही मन में डिस्टेंस बना लेती और फिर उससे एक डिस्टेंस बनाते बढ़ते चले जाता मेरा, और मैं ही बढ़ाते चले जाती, मतलब वो भले ही नहीं बढ़ाती पर मैं ही एक बहुत दूर दूर की, ठीक है आप दूर से ही अच्छे हो। जी तो आपने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के आधार पर आपने कुछ निष्कर्ष निकाला, उससे आप आराम में रहे, है ना। जी तो भैया आपके अंदर जी जो बिल्कुल संबंध का भाव था वो जितना हिलता डुलता था पहले, अभी नहीं हुआ, हाँ बट इसमें हाँ और ये मैं थोड़ा सा देख बारीकी से पाऊँ। भी देखेंगे कि ये संबंध का भाव बना रहे, है ना। तो हाँ हाँ अब जो आपका भाव रहा उस पूरे एनालिसिस के दौरान, उसको आप और ऑब्जर्व कर लीजिए कि संबंध का भाव था कि नहीं। हाँ भैया जी, संबंध का भाव था, मतलब जी मैं बढ़िया समझ बात, पा रही थी कि वो मेरी मित्र है और उसका इसका उसमें ये कमी दिख रही है, तो ठीक है मैं उसको पूरा खोने का कोशिश करूंगी, ये भाव था मेरे अंदर। जी बहुत अच्छा। इसी तरह से अपने आप में सजगता को बनाए रखना है, और इसको हम लोग दिन में कई बार करें तो ये भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास है वो बन जाएगा। क्योंकि तो हमारा अभ्यास जनरली विचारों के स्तर पे जीने का होता है, हम स्लिप करके बार बार विचार में चले आते हैं, तो इसमें थोड़ा शुरू में तो समय लगेगा, है ना, हम सबको समय लगता है, बट वो समय लगाने योग्य है। मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि विचार से भाव में जाना है, कि मैं किसी से भाव में कनेक्ट हो पाऊँ, जी और जो विचार चल रहे हैं उनको तो चलने दो ना, मतलब मैं उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं बहुत बहुत सारी चीजें एक साथ जब आप बोलते हैं सोचो ना, तो एक साथ बहुत सारा कुछ दिखने लग जाता है। हाँ, तो विचार को चलने दें, उसके पीछे भाव को देख लें। अगर विचार अनियंत्रित होकर चल रहा होगा और भाव दिखने लगेगा तो धीरे धीरे वो नियंत्रित होने लगता है। बढ़िया दीदी, भैया नमस्ते। नमस्ते। और एक दीदी का अभी प्रश्न था, जैसे सुबह समय नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन तो दे ही सकते हैं अपन कि पीछे के रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल है, उसको भी वो डे वाइज सुन सकते हैं वापस, जी क्यों नहीं। उसमें वीडियो भी उनको दिखाई दे, ये उनको मैसेज पास हो जाए। धन्यवाद हाँ बिल्कुल, तो वो कर सकते हैं धन्यवाद। जी। उसमें थोड़ा टाइम लैग जरूर है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट पे आने में थोड़ा समय लगता है, वीडियो को एडिट करके हम जब डालते हैं तो उसमें 4-6 दिन का समय लग जाता है, परंतु कोई भी हम में से साथी लौट कर सुनना चाहे तो बिल्कुल सुन ले, और काफी उपयोगी रहता है। और ये भी शेयरिंग में आ रहा है कि जो लोग उसके एडिटिंग कर रहे हैं वो उसके लिए काफी अपने लिए भी उपयोगी पाते हैं, और हम सभी ना एक दूसरे के लिए इस चीज को उपयोगी पाते हैं। बढ़िया भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, सबको नमस्ते। मेरे को ये लग रहा था कि जो विचार है वो तो बहुत ज्यादा आते हैं, जब तक कि हम अगर कई काम में एक्सटर्नली बिजी नहीं है, कि जैसे कुछ बना रहे हैं कुछ, या फिर हमारे को बाहर का प्रेशर है कि प्रोफेशनल की ये काम करना है, अदरवाइज तो विचार खूब आएंगे बहुत ज्यादा, और कई बार बिल्कुल नहीं आते हैं। तो लगता है कि नहीं, विचार लाए जाए, सोचा जाए कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना, पर हर चीज के पीछे हम भाव को उस समय देखें तो विचार आना कम हो जाएंगे, कि ये विचार ठीक है, इसके पीछे क्या गलत आ रहा है क्या सही आ रहा है, ऐसा इवेल्यूएट करते करते करेंगे तो विचार आना कम हो जाएंगे। हाँ, इनका मूल्यांकन तो हम लोग अभी सेकेंड और थर्ड स्टेप में करेंगे ही, परंतु अभी भी अगर भाव के प्रति सजग हो जाए, ठीक है ना, तो ये जो विचार में बहुत सारा भगदड़ रहता है, बहुत सारा अनिश्चितता रहता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक बार भाव के प्रति सजग हो जाए फिर मूल्यांकन भी करेंगे। क्योंकि विचार डराते भी हैं और
विचार थकाते भी हैं और विचारों की दुनिया में मतलब वो सारी प्री कंडीशनिंग से ही विचार आ रहे हैं और ज्यादा आपके संवेदना मतलब इन चीजों का ही रहता है विचारों में जी, तो वो परेशान। और दूसरा मैं ये कह रही थी भैया कि जो घर में लोग हैं जैसे तो जैसे हम भाव को जैसे मेरे हस्बैंड है सुबह मुझे दिखता है कि यार एसिडिटी की कोई बॉटल दवाई है वो खत्म हो गई तो मेरे को लगता है किसने पी, फिर मैं पूछती हूँ तो बोले मेरे को एसिडिटी हो गई। तो अब जैसे हम साइंस के हैं और हम पढ़ते रहते हैं बीमारियों को कैसे ठीक होती है तो नेचुरली देखते हैं कि अभी कोई अगर कोई एक छोटे से चैम्बर में दिन भर बैठ रहा है जहाँ हवा नहीं आ रही तो अभी स्टडी कहती है कि CO2 बढ़ रहा है तो आपकी एसिडिटी बढ़ रही है तो आप थोड़ा सा फ्रेश एयर में रहें थोड़ा धूप में रहें। तो फिर मेरे जो मैं किसी को कहती हूँ कि थोड़ा सा ऐसा कर लो घर में भी कोई देर से कोई मैदा ज्यादा खा रहा है तो भाई कैसे क्यों खा रहे हो तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर वो दवाइयां खाते रहते हैं तो मुझे पता है दवाइयां बड़ी हार्मफुल होती तो उसमें मैं जब कहती हूँ तो वो लोग कहते हैं अरे तुम अपना काम करो। और फिर मुझे ये चीजें बड़ी मेरा भाव तो अच्छा है उनके लिए और जब उनकी वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं तो एक विरोध तो मन में रह ही जाता है और भाव ये कि ये लंबा जिंदा रहे हम साथ में रहें और मिलके काम करें और कुछ चीजों को प्रिवेंशन पे ही जाए क्यों दवाइयों पे रहे तो इस बात का ही बहुत विरोध हो जाता है और विरोध होता है तो फिर वो दूरी लगने लगती कि यार और पर हम सोच तो अच्छा ही रहता ऐसे मतलब भाव तो हमारे अच्छे ही किसी के लिए जी, हुआ ये कि आपके अंदर पहले तो संबंध का भाव था दूसरे व्यक्ति के प्रति जिससे आपके अंदर उनके स्वास्थ्य के प्रति एक कंसर्न आया बट जब अगले व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी या आपके अनुसार नहीं किया तो फिर वो विरोध में चला गया ये ठीक नहीं है। तो हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहता है अगर तो हम उस संबंध के भाव के साथ अगले व्यक्ति की योग्यता का आकलन करके फिर ये देख पाते हैं कि इस व्यक्ति के लिए मुझे क्या योजना बनानी है। मतलब दूसरा व्यक्ति मेरी बात मान ले मेरे अनुसार चले ये अल्टीमेट गोल नहीं है। दूसरे के अंदर संयम का भाव विकसित हो जाए दूसरे के अंदर सही समझ सही भाव विकसित हो जाए ये गोल है। तो हाँ। दूसरा व्यक्ति कई बार हमारे अनुसार काम कर भी ले बट उसके अंदर वो भाव विकसित नहीं होता है तो फिर जैसे ही हमारा ध्यान हटा है ना वो फिर वापस अपनी पुरानी स्थिति में चला जाता है। तो देखिए अभी लोगों को ये भी स्पष्ट नहीं है कि स्वस्थ क्यों रहना है ना क्योंकि हाँ नहीं वो तो बड़ा इजी लाइफ को मानते लोग क्या है बोले ठीक है मतलब वो ऐसा है ही नहीं कि लंबा जीना है पर्पस मिसिंग होता है रोज का रोज कमा रहे खा रहे और इतना है कि आप चल जाएंगे आपका तो वो बीमारियों से भी नहीं जब होगा होगा ऐसा रहता है सभी का वही ना। तो अभी लोगों को जीने का प्रयोजन ही नहीं पता फिर उसमें आप कैसे जीना है इस पर अगर बात करना शुरू करते तो उनको उसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि उस पूरी बात को समझने पर ध्यान देने से ही उनके अंदर संयम का भाव सुनिश्चित हो पाएगा। तो हम परेशान नहीं होंगे ध्यान आकर्षण करा देंगे है ना। और उसके साथ जो कल भी बात हो रही थी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनके ऊपर हमको काम करना है ऐसा नहीं है हमें अपने ऊपर काम करना है और इतने सारे लोग हैं जो समझने को तैयार बैठे हैं उन सबके साथ काम करेंगे। ये जो संबंध का हमको फैलाव दिखता है तो किसी एक संबंधी की अयोग्यता से हम बहुत परेशान भी नहीं होते हैं। बढ़िया दीदी नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी आ रही है। अच्छा भैया मेरा ना एक छोटा सा मतलब ऐसे जब मैं सोचती हूँ कभी तो मैं जैसे जो मतलब कॉलेज जाती हूँ तो मेरी दो बेटियां हैं तो बड़ी तो स्कूल चली जाती है छोटी को मैं डे केयर में छोड़ती हूँ तो जब मैं जैसे ऑब्जर्वेशन करती हूँ तो कभी कभी मेरे मन में ना जैसे ये थॉट्स आते हैं विचार आते हैं कि मैं उसको डे केयर में उसको छोड़ के जा रही हूँ तो अपने आप में ऐसे लगता है कि हाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ ये किस तरह की मतलब इसमें क्या फीलिंग कैसी फीलिंग है ये कि मतलब उसको छोड़ के जा रही हूँ और मेरे अंदर एक वो मतलब गिल्ट की या कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ कि मैं उसे क्यों छोड़ के जा रही हूँ या जरूरी है ये तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस फीलिंग को कैसे मतलब कैसे मतलब वो करूँ। तो संबंध का भाव तो है ही बच्चे के प्रति जिस कारण ये फीलिंग हो रही है ना उसके साथ हम देखेंगे आगे कि इसको जो
या भी हमें ठीक नहीं लग रहा कि बच्चे को हम डे केयर में छोड़ के जा रहे हैं, तो ठीक क्या हो सकता है, ठीक क्या हो सकता है? तो अगर हम थोड़ा होलिस्टिकली सोचें उसको कि कैसे ऐसा हो कि बच्चों को डे केयर में ना छोड़ना हो, घर पे बच्चा रह पाए, तो थोड़ा सा भी सामूहिक रूप से ऐसा हो सकता है कि परिवार अभी जिस तरह से रह रहे हैं और जिस तरह से व्यवसाय बन गए हैं, तो अभी तीन पीढ़ियां साथ साथ नहीं रह पा रही, इसलिए ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अगर हाँ भैया, ये तो है। मैंने मैंने मतलब जैसे मेरे इन लॉज है, मैंने उनको भी कितनी बार कहा कि हाँ यहीं आके रह जाओ, पर वो वहाँ कम्फर्ट जोन में है तो वो वहां से यहाँ नहीं आना चाहते। कंफर्ट जोन में मतलब हर एक का एक कंफर्ट जोन होता है भैया, जो जहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है जी। तो वो वहां से यहाँ, मतलब मैंने बहुत बार कोशिश करी पर वो वहां से यहाँ नहीं आना चाहते। कभी कभी मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे जब हम छोटे थे तो मुझे जैसे अपने दादा का और अपने दादी का या चाचा का चाची का सबका बहुत प्यार मिला है, तो कभी कभी मुझे ये भी मेरी अंदर मतलब सोचते हुए ये फीलिंग्स आती है कि मतलब मेरे बच्चों को तो ये चीज मिली नहीं, तो पता नहीं। तो ये कठिनाई तो है अभी दीदी, उसको एक्सेप्ट करते हुए हम सोच सकते हैं आगे क्या किया जा सकता है। हाँ भैया वो तो है, पर वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस चीज से कभी कभी मैं काफी परेशान हो जाती हूँ बातों को सोच के ना, कि मतलब ऐसा क्यों है। जी जी, तो ये अपने को और वर्कआउट करना होगा। जैसे अभी अगर जैसे आप जॉब पे भी जा रही हैं, तो अभी उसको जाने की आवश्यकता है क्या, है ना? अभी क्या कोई संभावना है क्या कि जो तीन जनरेशन से किस प्रकार साथ साथ रह सकते हैं, तो इन पे भी विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी इसकी आवश्यकता है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है ना, डे केयर में अभी बच्चे को डालने की आवश्यकता है, उसको उस रूप में एक्सेप्ट भी करेंगे। अगर उसका भी कोई तो मैंने जी नहीं, ये किया मैंने एक्सेप्ट करा हुआ है कि हाँ तभी मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे ये मतलब अभी जैसे बैठ के सोचती हूँ या कभी ध्यान में आ जाता है तो फिर वो फीलिंग काफी वो हो जाती है, और फिर मतलब थोड़ी देर तक मैं परेशान रहती हूँ कि हाँ ऐसा क्यों है, मतलब वो क्यों नहीं समझना चाहते, या मेरे से कहीं कोई मतलब मैं कहीं कुछ गलत हूँ या मेरे अंदर कुछ ऐसा लैक है जिससे कि वो यहाँ नहीं आना चाहते, उनको ऐसे लगता है कि यहाँ आके मुझे प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है, तो इसके लिए बैठ के एक बार बात कर लें आपस में, है ना? जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स हो सकते हैं, बारी बारी से आ जाएं, तो देख लें क्या वर्कआउट हो सकता है प्रोग्राम, या अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप कुछ समय घर पे और दे दें, है ना? ये सारे पॉसिबिलिटीज को वर्कआउट कर सकते हैं। धन्यवाद भैया, देखती हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ कितना होता है कितना वर्कआउट कर पाती हूँ मैं। कहाँ पे है अभी भैया? मैं तो अभी यहाँ हरियाणा में हूँ और मेरे इन-लॉज बिहार में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर वही है ना कि वो वहाँ कंफर्टेबल है, तो मुझे लगता है कि शायद वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के यहाँ आने में उनको कोई दिक्कत है कि वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, यहाँ का माहौल और ये सारी चीजें हैं, और मैं यहाँ से वहां नहीं जा सकती क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो 10th में है, तो मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ना तो मैं वहां जा सकती हूँ और वो यहाँ आ नहीं पा रहे, तो बस वही है। अब देखती हूँ भैया वर्कआउट करके एक बार और कोशिश करती हूँ। कभी बात कर लीजिए तो और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस पर बात कर सकते हैं। हाँ नहीं भैया, मैंने बात तो बहुत बार करने की कोशिश भी करी, बताया भी है, पर कोई ऐसे रिस्पांस नहीं आता। अब छोटी वाली बेटी है उसको छोड़ के जाती हूँ तो कभी कभी ना वो ऐसे हो जाती है कि फिर मुझे लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ तो फिर ये वाली जो फीलिंग्स आ जाती है जैसे मतलब 10 मिनट्स जैसे आप दिन में भी कभी ऐसे बैठी रहती हूँ सोचती हूँ तो ये जो फीलिंग्स आती है, तो मतलब इस फीलिंग्स को हम कैसे वो कर सकते हैं? एक तो उसको हम देख पाएंगे कुछ टाइम हमारे अंदर ये फीलिंग है, इसी को हम देख पाएंगे, है ना? उस भाव के साथ फिर हम क्या कार्यक्रम बना सकते हैं उसे विचार करेंगे। वही मैंने कहा कि ये कुछ आपके ये पर्सनल इश्यूज हैं, इसको बहुत अभी इस प्लेटफॉर्म पे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कभी आप अलग से कॉल। नहीं नहीं भैया, पर्सनली मैं तो बस फीलिंग की बात कर रही हूँ कि ये जो फीलिंग आ रही है, जैसे मैं मतलब इस तरह की जो फीलिंग आती है हमारे अंदर,
जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं और बैठते हैं, मैं तो बस उसकी बात करती हूँ कि ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग के अंदर मतलब इसको, इस फीलिंग को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं या फिर केयरिंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब मैं बस ये जानना चाह रही थी जी। बच्चे के प्रति संबंध का भाव तो है, परंतु और जो दूसरी चीजें हैं कि परिवार की आवश्यकता कैसे पूर्ति हो, है ना, उसके प्रति जो भाव है हमारे अंदर, तो बहुत सारी चीजें। हाँ भैया, बस वो फीलिंग में जानना चाह रही हूँ कि उसको, वही तो बच्चे के प्रति संबंध का भाव है ना, और इन-लॉज के प्रति हो सकता है एक अलग तरह का भाव हो, सुविधा की जो आवश्यकता पूर्ति करनी है परिवार में उसके प्रति अलग तरह का भाव हो। तो अभी हमको कहीं ऐसा लग सकता है कि अभी जॉब करना अनिवार्य है, नहीं तो परिवार में सुविधा की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी, तो वहां पे भी हमारा कोई भाव होगा। तो इन सब चीजों को एक साथ देख पाएंगे अगर, तो समाधान निकल पाएगा। तो अभी आपने जो जिक्र किया उसमें बच्चे के प्रति जो भाव है वो तो जिक्र में आया, बट और जो जीने के और जो आयाम है उसमें हमारा क्या भाव है, वो जब तक अपने को ठीक से दिखाई नहीं देता तब तक हमको विकल्प स्पष्ट नहीं होता कि नहीं। हाँ भैया, मैं एक बार और देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ इस चीज को, वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ फीलिंग्स किस तरह की आती है। तो ये वाली फीलिंग्स मुझे आ रही थी, मुझे मतलब मेरे अंदर ये लग रहा था कि मैं मतलब कुछ ऐसे गिल्ट वाली फीलिंग आती है ना कि मैं बच्चों को छोड़ रही हूँ, तो फिर वो चीज मतलब कभी कभी परेशान कर देती थी। तो इसीलिए मैंने पूछा कि मतलब यहाँ जो फीलिंग है बच्चे के प्रति केयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरह की कुछ फीलिंग्स होगी जी। वो तो है, इसलिए मैंने कहा कि वो तो भाव ठीक है आपका कि बच्चे के संबंध का भाव है, बट उस संबंध का निर्वाह करने में जो कठिनाइयां आनी है, तो वो जो दूसरे संबंध हैं हस्बैंड के प्रति, इन-लॉज के प्रति, या जो सुविधा को लेकर जो अपने अंदर भाव है उनके प्रति सजग होने की जरूरत है, तब जाकर उसका समाधान निकल पाएगा। बढ़िया दीदी जी, धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। भैया कल की मैं थोड़ा सा शेयरिंग रखना चाहती थी और एक दो चीज भी पूछना था आपसे। भैया जैसे अभी एक सुनते सुनते दीदी की उस पे आ रहा था मेरे को जवाब कि दीदी जैसे परेशान हो रही थी ना, ऐसे मेरी बेटी भी डिबोर्डिंग में ही रही है बचपन से, तो मैं भी बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि 3 महीने की जब मैंने जॉब स्टार्ट करी और फिर इतना ज्यादा मेरे को वो होता था कि 3 महीने का बच्चा छोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता था और 12 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी तो मैं बहुत तकलीफ में रहती। तो फिर काफी साल तक मैंने उसको 6 साल तक ऐसे ही रखा धीरे धीरे, बट वो वही जैसे आपने कहा ना कि विचारों को चेंज करें और उसको देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर जॉब करना जरूरी है कि क्या है। तो भैया ऐसे भाव तो बनता ही है कि बच्चे को समय नहीं दे रहे, छोटा बच्चा है, क्या है, जॉब भी जरूरी है क्या, मतलब ऐसे चलता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है फिर थॉट्स में। फिर भैया धीरे धीरे उसको जब चेंज किया मैंने तो अब लगता है कि ठीक है जो करा बहुत ही अच्छा करा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बच्चा भी थोड़ा स्ट्रांग होता है उससे, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ा वहां पे। पर जैसे अब जैसे उसकी कुछ और संस्कार देखती है कि नहीं समय नहीं दिया शायद इसलिए वो चीजों को वैसे करती है और इरिटेट होती है या फिर जवाब देती है या वो चीजों को हमने नहीं सिखाया ऐसे भी आता है। अब कल के एक्सपीरियंस भैया बताती हूँ उसके साथ। उसने 2-3 चीज कुछ ऐसे करा कमरे में और मैं घर पे नहीं थी, मैं आई, वो भी कल गई थी ड्यूटी, आके उसने कुछ ऐसे 2-3 चीजें करा, जैसे खाना खाया उसने प्लेट वहीं छोड़ रखा था, कुछ और चीज खाया वो चीजें वहीं पे फेंक रखा था। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा इसकी तो आदत खराब होते जा रही है, बट मैंने उसको खाली अब्सॉर्ब किया, कुछ नहीं बोला, बट फिर आंखों से जैसे मैंने थोड़ा इशारा दिया कि ये चीज अभी भी नहीं पड़ा हुआ ये अभी, मतलब अपने अंदर मेरा वो संकल्प तो चला भैया, पर भैया मैंने कोई उसमें रिएक्ट नहीं करा और कोई मैंने उसमें वेस्ट थॉट नहीं चलाई, बस खाली भाव बना के रखा भैया। वो मेरे कल देखा मैंने, उसने अपने उठाया सारी चीजें और धीरे से मेरे कह के बात भी करने की कोशिश करी, मैंने धीरे से उसे जवाब दिया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं बोलती तो फिर मामला बिगड़ता। तो काफी वो जैसे भैया अभी अब एक तो ये चीज मेरा कल का शेयरिंग था, दूसरा कल भैया मेरे को कहीं थोड़ा जाना पड़ा तो जैसे किसी ने आना था घर पे सुबह, तो मैंने कहा आएंगे तो इकट्ठे नाश्ता भी कर लेंगे, काम भी हो जाएगा, तो वो आई नहीं, तो फिर मैंने कहा आई नहीं, काफी देर हो गई, हमने नाश्ता वास्ता करा, फिर देखा बाद में कि उनका आने का प्रोग्राम ही कैंसिल था, मैं कहीं निकल। फिर मार्केट में ये देख रही थी कि मेरा ध्यान वही चीज पे खाली जा रहा था जो मुझे लेना है, लिया और फटाफट वापस आ गई। तो भैया जैसे आप कहते हैं ना इमेजिनेशन, इमेजिनेशन चल रही है उसमें, हम उसकी चेकिंग कर रहे,
तो इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन जैसे हम कहते हैं, तो उसमें डिफरेंट क्या आ जाता है? नहीं, विजुलाइजेशन किसको कह रही हैं? विजुलाइजेशन जैसे आप कह रहे हैं ना, आपकी इमेजिनेशन में ही वो चीज मुझे सीधा सीधा, जैसे विचार भी आया, भाव भी आया, भाव बना हुआ था, विचार बहुत कम था, उस चीज को सीधा मैं देख तो पा रही थी, पर जैसे इमीडिएटली कोई जैसे सामने फिरे कोई इमेजिनेशन में सीधा वो चीज दिखने लग रहा, वो चीज लेना नहीं है लेकिन एक ध्यान गया उस तरफ। तो विजुअलाइजेशन में जैसे कोई चीज ना फर्स्ट से एकदम दिख जाना, जैसे अभी 10 मिनट के जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन करा, उसमें जैसे मेरा एकदम ध्यान ऐसा गया कि एक जैसे पानी में नाव को उतारा और उसमें खेत था, उसमें बहुत पानी भर गया, ध्यान नहीं दिया, वो नाव डूब भी सकता था अगर समय से नहीं देखते, तो ऐसा जैसे वो उस तरफ जैसे एकदम चला गया और फिर इतनी होने के बाद रुक गई मैं। तो ये इमेजिनेशन था भैया कि ये विजुअलाइजेशन, ये क्या मतलब, ये जैसे दूर की चीज को एकदम से वो सामने दिख जाना साफ। देखिए, है तो कल्पनाशीलता ही इमेजिनेशन, उसमें कुछ चीजें हमें साफ साफ दिखती है, कुछ चीजें साफ साफ नहीं दिखती। तो एक बार हमारे अंदर सजगता बन जाए तो हमको अपनी कल्पनाशीलता साफ साफ दिखाई देती रहती है, है ना। तो अभी क्या होता है, कुछ चीजें हमारे लिए धुंधली सी रहती हैं, अस्पष्ट सी रहती हैं। बट यदि एक बार देखने का अभ्यास हो जाए तो हमें भाव भी दिखता है स्पष्ट रूप से, विचार भी दिखता है स्पष्ट रूप से। धीरे धीरे हमारे अंदर योग्यता बढ़नी है ताकि हमको भाव, अपना विचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, पूरी कल्पनाशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो विजुलाइजेशन जैसी कोई अलग से चीज नहीं है, कल्पनाशीलता में जहाँ पे आपका स्पष्टता बन पा रही है उसको आप विजुलाइजेशन कह रही हैं। हाँ, मैं यहाँ पे असेस विजुलाइजेशन का नाम वर्ड दे रही थी, तो वही मैं जब आपने कहा ना, मैंने कहा मैं पूछ लूँ आपसे। और दूसरा भैया, जैसे ये नौ भाव की जैसे एक सीडी है जो मैं कल ऐसे मेरे निकल आई तो मैं सुन रही थी, उसमें भैया सुनते सुनते ये इतना मतलब उसमें मैं खो गई, तो सारा दिन वो देख रही थी, जैसे अभी दीदी ने बोला ना कि समय नहीं मिलता है, तो ये ऐसा हो गया कि ये कोई समय तो निकालना बहुत अच्छी बात है, अपने लिए निकाले, लेकिन चलता फिरता इतना इजी हो गया कि वो मतलब मुश्किल नहीं लग रही है उसमें, उसमें बहुत इजीली सब चीज जैसे लग रहा है कि होता जा रहा है, ये रूटीन से ही होता जा रहा है, उसमें कोई जैसे ऐसे तकलीफ नहीं लग रही है मुझे। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया बन गया। और भैया लेकिन सजगता बनी हुई है, सारा दिन वो चीज को देखती थी कि हाँ भाव बना हुआ है, किसी चीज में कोई डिस्टर्ब नहीं हुई और मतलब कोई उलझन नहीं हुआ, बहुत सरलता से होता जा रहा है, आप सुनते रहे बस उन चीजों को और वो आप ऑब्जर्व करते रहे अंदर चीज को, आप में वो आता जा रहा है, ऐसे लग रहा है जी। थैंक यू, बढ़िया बढ़िया दीदी। तो इस अभ्यास को आज हम लोग करते रहें, आज के लिए होमवर्क यही रहेगा कि हम अपने कल्पनाशीलता को सजग रहें, और अगर हम अपनी कल्पनाशीलता में अपने भाव को, विचार को, आशा को अलग अलग करके देख पाए तो बहुत ही अच्छा। तो भाव हमारी भागीदारी से जुड़ा हुआ है, तो हम कुछ होना चाहते हैं, स्वयं में कुछ होना चाहते हैं, संबंध में कुछ होना चाहते हैं, ये हम भाव के रूप में देख पाते हैं। उसको कैसे पूरा करें इसके लिए हम विचार करते हैं। जैसे अभी जितने भी प्रश्न आए या शेयरिंग आई है ना, तो बच्ची के साथ संबंध को लेकर या किसी दूसरे अवसर पर संबंध को लेकर हमारे अंदर कुछ भाव बना रहता है, तो उस भाव के साथ हम फिर विचार करते हैं और उसमें कुछ आशा होती है कि ऐसा हो जाए, कुछ आस्वादन की अपेक्षा बनी रहती है। इस भाव को हम अलग अलग करके देख सकते हैं, जितना जितना भाव के प्रति सजग हो पाएंगे उतना हमारा विचार संक्षेप में पूरा होगा। जब भाव के प्रति सजग नहीं होते हैं तो विचार लंबे समय तक चलता रहता है और हम उसमें बहते रहते हैं, उलझते रहते हैं, है ना, उसमें लोटपोट होते रहते हैं। तो यदि हमको भाव दिखने लगे तो विचार बहुत संक्षेप में पूरा होता है और फिर वहां से एक योजना निकलती है, है ना, कि इसके लिए मुझे करना क्या है। फिर उसमें ऐसा नहीं कि हम द्वंद्व को लेकर बहुत देर तक विचार कर रहे हैं, और आगे हम लोग अभ्यास करेंगे कि अपने भाव का हम मूल्यांकन कैसे कर पाए। तो स्टेप वन में तो इतना ही कर रहे हैं कि बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना बदले, बिना कुछ आरोपित किए, बिना उसे संघर्ष किए, है ना, बिना मूल्यांकन किए जैसा है वैसा उस भाव को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना। और यदि विचार को देख पाए तो विचार से आगे बढ़कर भाव को देख लें। विचार में यदि हम प्रयोजन को देखना शुरू करते हैं कि ये जो मैंने विचार किया, मैं चाहता क्या हूँ, इसमें लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है, तो हमको भाव वहां स्पष्ट होने लगता है।
ठीक है ना, फिर उस भाव को हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाव सहज जी थोड़ी देर के लिए आवाज रुक गई होगी। गुरुपाल जी कह रहे हैं एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल ही थे, जैसे अभी बच्ची को डे केयर में डालने की बात हो रही थी, वो एक एग्जाम्पल है। तो हमारे अंदर कुछ भाव है, बच्ची के प्रति संबंध का भाव है ना, और उसके साथ हमारे अंदर कुछ विचार चल रहा है कि डे केयर में डालना उचित है नहीं है, और हम उसमें निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उस संबंध का निर्वाह कैसे हो ये हमें स्पष्ट नहीं है। तो फिर उसको लेकर कई प्रकार के आस्वादन हो रहे हैं ना, जो मृणाल जी अभी शेयर कर रही थी। तो अभी जितनी भी शेयरिंग हुई ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें अपने आप में दिखाई दे सकता है कि किस तरह से हमारे अंदर भाव कोई बना रहता है, उस भाव के साथ हम विचार करते रहते हैं। इनफैक्ट कई बार ये भी होता है कि हमारे अंदर संबंध के भाव की आशा रहती है, यानी संबंध के भाव को तो हम सहज से स्वीकार रहे होते हैं परंतु उसका अभाव दिखाई देता है। जैसे अभी यही था कि फॉर एग्जाम्पल है ना कि हमें बच्चे को अपने से दूर करके कहीं जाना है, तो दिख रहा है कि संबंध की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो उसका अभाव प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, और उसके साथ फिर हम विचार कर रहे हैं। तो यदि हमें भागीदारी स्पष्ट हो जाए तो फिर इसमें ये अतृप्ति नहीं रहती। और भागीदारी कैसे स्पष्ट हो, तो उसमें जब भाव पे हम परिमार्जन की बात करते हैं तो वो और स्पष्ट हो पाती है। तो इसमें आप पाएंगे कि कई ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें कई प्रकार के भाव मिक्सडअप होते हैं, तो संबंध का भी भाव है, समृद्धि का भी भाव है या उसका अभाव है। संबंध भी कई लोगों के साथ है, किसी के प्रति संबंध का भाव लग रहा है, किसी के प्रति संबंध का अभाव लग रहा है ना, तो ये सारा कुछ हमारे अंदर मिक्सडअप रहता है। अब इन सारे भावों के मिक्सडअप होकर फिर हमारे अंदर कई प्रकार से विचार चलते हैं और फिर हमारे लिए निर्णय लेना कठिन हो जाता है। बट यदि भाव में स्पष्टता हो जाए तो फिर हम निर्णय विचार भी सहजता से संक्षेप में पूरा कर पाते हैं और हम निर्णय भी ले पाते हैं। बट ठीक है, उस पर बहुत हड़बड़ी ना करें, जब भी हम लोगों ने अभ्यास शुरू किया है, ये हमारे डे टू डे लाइफ के बिल्कुल प्रैक्टिकल इश्यूज हैं और एक दिन में हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाए आवश्यक नहीं है, परंतु जब ये भाव स्पष्ट होगा आपको तो आपको फिर पूरा समाधान दिखाई देता है और उस भाव के मूल में भी जो समझ विकसित होनी है उसकी आवश्यकता स्पष्ट होती है ना। तो पूरे अगर आप सारी चीजों को साथ में जोड़ कर देखेंगे तो बहुत सारे और मुद्दे निकलेंगे इसमें, लाइफ के किसी भी डायमेंशन में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए होते हैं। जॉब करना है, क्यों करना है ना, जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्यों रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उतने लोगों के साथ ही हम क्यों रह रहे हैं, जिस तरह से हम सुविधाओं का उपार्जन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ी रहती हैं। तो उन सब पे हम एक साथ ध्यान दे सकते हैं। तो होता यह है कि विचार में बहुत फैला हुआ रहता है, विचार से ज्यादा संक्षेप में भाव हमको दिखाई देता है, बट वो भाव अभी मान्यता ग्रस्त हो सकता है, संवेदना के आधार पर हो सकता है या हमारी सहज स्वीकृति के आधार पर भी हो सकता है। फिर जो सहज स्वीकृत भाव है, जब इनको देख पाते हैं तो ये जो भाव में भी जो हलचल है ना, भाव में भी जो द्वंद है उससे हम निकल पाते हैं, भाव में जो अनिश्चितता है उससे निकल पाते हैं, और सहज स्वीकृत भाव के आधार में जो बोध की वस्तु है, समझने की वस्तु है, उसको भी हम देख पाते हैं। तो फिर हमारे जीने का कार्यक्रम निश्चित हो पाता है ना, उससे पहले तो इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं। तो भाव में भी भगदड़ है, यानी भाव में भी द्वंद है, कई प्रकार के भाव मिक्सडअप हैं, उसके कारण विचार में और ज्यादा भगदड़ होती है, फिर हमारे जीने में व्यवहार कार्य में और ज्यादा भगदड़ दिखाई देती है। तो ये सारा कुछ अभी हो सकता है, अभी इसी को तो निश्चित करने के लिए तो सारा अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सुबह के सत्र में एक तरफ स्वयं को ज्ञान को लेकर, अस्तित्व के ज्ञान को लेकर और अस्तित्व में अपनी भागीदारी के ज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने प्रति सजग होने का काम कर रहे हैं, है ना। और उससे आप पाएंगे उसका एक नेचुरल आउटकम है कि जो जीने से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारी शेयरिंग से निकल कर आते हैं, उस पर भी हमको समाधान दिखाई देने लगता है। तो बढ़िया है, ये आज के लिए अभ्यास है जो सामने लिखा हुआ है ना, और इसको हम लोग आज दिन भर करेंगे, कल हम लोग लेक्चर 5 शुरू करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते।